झूंपड़ी में रहनारा वृद्ध व्यक्तिए बाळको माटे जे कर्युं ते जोईने लोको थई गया हता हैरान। हकीकत जाणीने तमारा पण होश उड़ी जशे। मित्रों, आपणे बधा जाणीए छीए के बाळको आवतीकालनुं भविष्य छे नहीं। जो तेओ भणी गणीने होशियार थशे तो तेओ पण तेमना जीवन में आगळ वधशे, खरुं ने? परंतु मित्रों, आजे पण एवा घणा बाळको छे जेओ शिक्षण मेळवी शकता नथी। घरनी नबळी परिस्थिति होवाने कारणे बाळकोने नानी उम्रे शाळा छोड़ीने मजूरी करवी पड़े छे। जो के आजकाल शिक्षणनो वधु ने वधु प्रसार करवामां आवी रह्यो छे, परंतु हजु पण घणा बाळको एवा छे जे शिक्षण लई शकता नथी। अने बीजू मित्रों, आजना समय में माणस एक पण रुपयानी मदद करवा राजी थतो नथी। एवा संजोगों में एक 75 वर्षना वृद्धे बाळकोना अभ्यास माटे जे कर्युं ते जोईने तमे पण सलाम करशो। ज्या मित्रों, मळेली माहिती मुजब आ वृद्ध व्यक्तिनुं नाम छे सदयन, जेनी उमर 75 वर्ष छे अने ते ईरोडना बारगुर विस्तारमां रहे छे। मित्रों, वर्ष 2010 सुधी आ गाममां बाळमजूरी खूब ज चालती हती। तेनी पाछळनुं सौथी मोटुं कारण ए हतुं के आ गाम में एक पण शाळा नहोती, परंतु आ दादाए पोतानी 2 एकर जमीन बाळकोना भविष्य माटे दान में आपीने सौथी उत्तम कार्य कर्युं छे। कारण के आ जमीन पर सुंदर नामनी एनजीओए शाळा बनावीने बाळकोने बाळमजूरीमांथी मुक्त कर्या छे। तमने वधु जणावी दईए के सुंदर नामनी आ संस्था आदिवासी विद्यार्थीओना शिक्षण माटे काम करे छे। आ संस्थाए लगभग 40 विद्यार्थीओने बाळमजूरीमांथी बचाव्या छे। कहेવાય છે કે એક સમયે અહીં બાળકોને વડલાના ઝાડ નીચે ભણાવવામાં આવતા હતા, પરંતુ આજે તે મોટી બિલ્ડિંગમાં અભ્યાસ લઈ રહ્યા છે। મિત્રો, અમારા તરફથી આ મહાન વ્યક્તિને સોસો સલામ। તમે પણ સલામ લખીને નીચે કમેન્ટ જરૂર કરજો। ચાલો આગળ વધીએ।